नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में महज चंद रोज ही बचे हैं और एक तरफ जहां सूबे में चुनाव प्रचार अपने शवाब पर है तो वहीं पर दूसरी तरफ नेताओं की बयानबाजी भी लगातार जारी है। इसी बीच कांग्रेस के विधायक मामन खान ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है और ये वही मामन खान हैं जो पिछले साल नूह में जल अभिषेक के दौरान सांप्रदायिक के दंगों में सुर्खियों में नजर आए थे। अब एक बार फिर से वो अपने बयान को लेकर विवादों में आ चुके हैं। दरअसल विधायक मामन खान ने नूह विधानसभा के आटा गांव में चुनाव प्रचार के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों ने मेवात के बच्चों के साथ अन्याय किया है उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही अन्याय करने वाले लोगों को मेवात छोड़ना पड़ेगा और मामन खान का ये भी भड़काऊ बयान सोशल मीडिया के ऊपर खूब जमकर वायरल हो रहा है। विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने मामन खान को सूबे की फिरोजपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है और इसके बयान से विपक्षी दलों ने कांग्रेस के ऊपर भी निशाना साधा है। नूह से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार वन मंत्री संजय सिंह ने मामन खान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो उन्हें चैलेंज करते हैं। खान में अगर हिम्मत है उनके समाज के किसी भी व्यक्ति को हाथ लगाकर दिखाइए। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ने चुनाव आयोग से ये मांग की है कि आयोग ऐसे लोगों को आयोग घोषित कर दे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता औरंगजेब ने कहा कि मामन खान हमेशा भड़काऊ बयान देते हैं और विधानसभा में दिए गए भड़काऊ बयान से नूह में हिंसा हुई थी। आज भी जब लोग उस हिंसा को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी ने एक बार फिर विवादित बयान देकर ये साबित कर दिया है कि वो मेवात के विकास को लेकर नहीं बल्कि मेवात के लोगों को भगाने के लिए विधायक बन रहे हैं। वहीं फिरोजपुर झिरका विधानसभा में इनेलो बसपा प्रत्याशी हबीब खान ये कहा है कि जनता कांग्रेस के नेताओं के मंसूबों को अच्छे से समझ चुकी। कांग्रेस के प्रत्याशी मेवात को जोड़ने नहीं बल्कि मेवात को तोड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विकास की बात ना करके जेल जाने की बातें करना और क्षेत्र की जनता को एक बार फिर से डराने की कोशिश करना ये ठीक नहीं। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के प्रत्याशी मामन खान नूह में हुई हिंसा को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं और हाल ही में फिरोजपुर झिरका विधानसभा के एक गांव में हुई जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कि राजस्थान के घाटमियां के जुनैद और नासिर हत्याकांड को लेकर विधानसभा से पूरे देश हिल गया था। नूह में जो कांड हुआ है उस दौरान लोगों के घरों में चूल्हे नहीं चले हैं और सरकार ने मुझे बेवजह जेल में डाल दिया था। मामन खान ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने मेवात के बच्चों के साथ अन्याय किया है कांग्रेस की सरकार बनते ही उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि हर व्यक्ति का नाम पता मालूम है मुझे, सरकार बनते ही उन लोगों को मेवात छोड़ना पड़ेगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो ऐसे ही विधानसभा में लोगों की आवाज़ को उठाते रहेंगे चाहे फिर उन्हें 100 बार जेल क्यों ना जाना पड़े। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।